नमस्कार, मैं हूं अरुण दुबे और आप देख रहे हैं सूचना इंडिया। सुबह से ही जयपुर से सितारगंज पहुंचे 56 मजदूर किए गए क्वारंटाइन। जी हां, आपको बताते चलें कि जयपुर से सितारगंज की दूरी तय करके करीब 56 मजदूर पहुंचे हैं, जहां सितारगंज उधम सिंह नगर उत्तराखंड जो कि सबके सब ग्राम पंडरी के रहने वाले हैं, उनसे पूछने पर जानकारी प्राप्त हुई कि वे सारे के सारे जयपुर की किसी भट्टे पर काम करते थे, लेकिन लॉकडाउन के चलते सभी अपने परिवार के साथ वहीं फंस गए, जहां उनके लिए खाने पीने की भारी परेशानी हो गई। मजदूरों ने बताया कि हम आने के लिए सवारी ढूंढ रहे थे, लेकिन हमारे लिए किसी भी सवारी की व्यवस्था नहीं हो पाई, जिससे हमें बड़ी ही परेशानियों का सामना करना पड़ा। अभी जल्दी में ही हमारे ईंट भट्टों के मालिक ने हमारे लिए एक कैंटर सितारगंज तक के लिए बुक कर दिया, जिसमें हम सभी लोग अपने परिवार के साथ सितारगंज के लिए रवाना हुए। कितने जने हो? हम कितने आदमी हो? चार। क्या नाम है आपका? मुख्यार। रास्ते की? काम हो जयपुर था, यहीं था। रुद्रपुर था। यहाँ से आए हुआ था, खाने पीने रुकता? रुद्रपुर से तो सही हो गया। हमारे हम सब भूखे ही आए हैं। कहाँ से? जयपुर था। अच्छा, बच्चे भी हैं आपके साथ? क्या है? बस से भूनी से, रुद्रपुर से ही भेजा था बस। अच्छा, चीनी मिल कब आया? चीनी मिल कल आए थे। कितने लोग हैं आप? हम हैं 60-70 जने, 60 जने हैं। पैसे वहाँ क्या कर रहे थे? जयपुर में भट्टे पे थे। भट्टे पे काम करते हो? जी। आज सुबह लगभग 9:30 बजे 56 लोग जयपुर राजस्थान से सितारगंज पहुँचे हैं, जो कि वहाँ पर ईंट भट्टों में मजदूरी का कार्य किया करते हैं। उन सभी का स्वास्थ्य परीक्षण हमारी टीम के द्वारा किया गया है और पंडरी में ब्लेज क्वारंटाइन को किया गया है। वहाँ के जो विद्यालय हैं उनमें उन सभी का ब्लेज क्वारंटाइन किया गया है और जो हमारी स्वास्थ्य विभाग की टीमें हैं वो नियमित तौर पर उनके स्वास्थ्य परीक्षण। हाँ, फिलहाल उनमें कोरोना संक्रमण इत्यादि के कोई लक्षण नहीं मिले हैं और ये सारे चेकअप में। सर, इसके अलावा और कोई जानकारी? इसके अलावा तो अन्य जो प्रांतों से लोग आ रहे हैं तो हमारी टीमें उनका स्वास्थ्य परीक्षण कर रही हैं और नियमानुसार उनको ग्लेज क्वारंटाइन या होम क्वारंटाइन जो सही है।